दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। 95% जो इंडिया के अंदर शादियां होती है वो इंट्रा कास्ट मैरिज होती है, लेकिन हम कास्ट के अंदर शादी करते हुए हम ये ध्यान रखते हैं कि वो जो है सेम गोत्र में शादी ना हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा नाम प्रियंक सिंह भी है, तो अगर मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ तो आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि जो गोत्र है वो मतलब सिंघवी नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप ना बने। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाती है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई रैशनल है, कोई साइंटिफिक थ्योरी है, और अगर है तो उसमें कितनी सच्चाई है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो गोत्र का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए कि ये जो गोत्र का कॉन्सेप्ट है ये आज से 3,000 से 4,000 साल पहले आया है, और जो पहले के जो मुनि हुए थे, जो सेजेस हुए थे, 7 या 8 आई गेस मुनि हैं, तो उनकी जो डिसेंडेंट है, उनकी जो लीनियजेस हैं, उनके हिसाब से जो है वो गोत्र डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब क्यों उस समय गोत्र का आया था, क्या हुआ था, उसका मेन रीज़न ये था कि आप जो है अपने किसी क्लोजली रिलेटेड किसी पर्सन से अगर आप शादी कर लेंगे तो जो है आपको फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे जो है जो प्रोजेनी आएगी, जो बच्चा होगा उसके बच्चे के अंदर जो है एक मतलब शारीरिक और मानसिक स्तर पर जो है उसको काफ़ी कुछ डिफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो ये जो है हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर ये बात कोटेड है, और उनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने जो गोत्र सिस्टम निकाला था। लेकिन आज की तारीख में इसकी साइंटिफिक बैकिंग जो है क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचर के अंदर 2009 में एक पेपर आया था, और जो ये बताता है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोन है जिसमें उनको रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, जो रिसेसिव ऑटोसोमल या एलोसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो हो सकते हैं। और उसका मेजर रीज़न उन्होंने ये बताया है कि जहाँ यहाँ पे जो है इंट्राकास्ट जो मैरिज है वो कल्चर बहुत प्रिवेल करता है, जिसकी वजह से जो भी रिसेसिव अलील की वजह से जो डिसऑर्डर हो सकते हैं वो ज़्यादा हैं। और रिसेसिव अलील कैसे डिसऑर्डर कॉज कर सकता है वो अगर समझना हो तो इट्स क्वाइट सिंपल कि जैसे फॉर एग्जांपल फादर के अंदर जो है कोई पर्टिकुलर जीन था, कोई फैक्टर था जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म में था, जो कि नाम ही बता रहा है, यानी वो एक तरह से सबमिसिव फॉर्म में था। और मदर के अंदर था वो भी मान लो कि सबमिसिव फॉर्म में था, रिसेसिव फॉर्म में था। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों क्लोजली रिलेटेड हुए तो चांसेस हैं कि वो जो सेम जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसके जो फैक्टर हैं वो आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे, उन दोनों के अंदर मिलेंगे। और जब इनमें मेटिंग होगी और मेटिंग होने के बाद में जब प्रोजेनी आएगी तो चांसेस हैं कि इनके दोनों के रिसेसिव कैरेक्टर आपस में मिल जाएंगे, और रिसेसिव कैरेक्टर की वजह से जो है उससे जो ऑटोसोमल या एलोसोमल यानी जेनेटिक या जो बॉडीली लेवल पर जितने भी प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है। और वो डिसऑर्डर हैं जो वो बहुत सारे हैं, जैसे सिकल सेल हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, PKU हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इसकी एक साइंटिफिक बैकिंग है। लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर जो है बहुत सारे जो हैं लोगों ने अलग अलग बातें बोली है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग कोट करते हैं कि अगर ऐसा ही केस है तो मुस्लिम्स के अंदर जो है वो तो हमेशा काफ़ी टाइम से देखा गया है कि कज़न के बीच में या फर्स्ट कज़न के साथ में जो है शादी होती आ रही है, तो अगर ऐसा केस है तो फिर उनकी तो फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली वीक होते हुए नहीं दिख रही है किसी भी तरह से प्रोजेनी, ऐसा तो नहीं देखा गया, तो फिर ऐसा कैसे, मतलब क्या सच में ये वर्दी है थ्योरी। दूसरा लोगों का ये मानना है कि ये 3,000-4,000 साल पहले जो है आपने थ्योरी गोत्र वाली दी थी, तो उस समय उसे काफ़ी सालों तक स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, तो अब ऑलरेडी बहुत सारे हाइब्रिड बन चुके हैं। और इतने सारे अगर हाइब्रिड बन चुके हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी था एक, और मान लो स्मॉल टी था, तो अब इतने सारे जो हैं 3,000-4,000 साल के अंदर पिछले इतनी सारी मिक्सिंग हो गई है कि ऑलमोस्ट एक तरह से सारे कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरह से हो चुके हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या सच में कह सकते हैं कि अब जो है वो रिसेसिव जीन या वो जो उनका जो इफेक्ट है वो सच में उतना आज की तारीख में इफेक्ट करेगा। तीसरा लोगों का ये भी कहना है कि आपको क्या पता है उन्होंने अपना जो है गोत्र चेंज करवाया हो आपके चौथे पांचवे छठे पता नहीं किस जनरेशन में। आजकल तो लोगों को परदादा का नाम ही याद नहीं रहता, तो छठी जनरेशन में क्या हुआ किसे याद रहने वाला है। तो अब क्या मालूम उन्होंने जो है फॉर एग्जांपल वो अग्रवाल थे और फिर उन्होंने चेंज करवा के माहेश्वरी करवाया हो पीछे, और आपको पता ही ना हो इस बारे में, तो आप कैसे जो है लीनियज का ट्रैक करोगे। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो ये जो रिसेसिव अलील वाली जो थ्योरी है उसको तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन जो है मैच नहीं कर रही है। तो साइंस भी जो है ये नहीं कह रही है कि 100% आपको होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है किसी मामा की लड़की से फॉर एग्जांपल शादी कर लेते हैं जो कि बहुत ही क्लोज रिलेटेड हुए आपके, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रोजेनी होगी उसमें 100% चांसेस हैं कि वो जो है उसको डिफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल चांसेस की बात करें एज़ कम्पेयर टू डिस्टिंक्टली रिलेटेड जो होती है, तो उसके केस में इट इज़ ऑलवेज सेफ कि आप जो है क्लोज रिलेटेड जितने भी हैं आपके गोत्र उनको आप अवॉइड करो टू बी ऑन सेफ साइड, राइट।
और अगर शादी करते हुए आपको देखना ही है जेनेटिकली, तो आप ये भी देखना चाहिए कि अगर आप जिस लड़की या लड़के से, जिससे भी स्पाउस से शादी कर रहे हैं, तो उसकी फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री क्या बोलती है कि फॉर एग्जांपल कोई कैंसर तो नहीं है, कि कोई बीपी डायबिटीज़ के तो पेशेंट नहीं रहे हैं। तो ये आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और गवर्नमेंट तो वैसे ही बहुत कैंपेन चला रही है कि एड्स है कि नहीं अपने पार्टनर का, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। लेकिन अगर प्यार बहुत ज़्यादा है, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, तो कैंसर का मैटर करेगा आपके लिए, राइट? लेकिन फिर भी अगर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहें तो इस तरह से आपको लेना चाहिए। और अगर आप इफ़ एट ऑल यू वांट टू गो फॉर इंट्राकास्ट मैरिज विद इन द गोत्रा, तो आपको वो एक बार जो है एक अच्छे किसी जेनेटिसिस्ट को पकड़ना चाहिए और वहाँ पे जाके उसको अपना जो डीएनए कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट है दोनों का, यानी आपने अपना लिया डीएनए और अपनी स्पाउस का डीएनए लिया, और उसके बाद में एक एनालिसिस करवाई जेनेटिसिस्ट से कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि जब आपकी प्रोजेनी आएगी उसके डिफेक्ट होने के फिजियोलॉजिकली या फिर साइकोलॉजिकली। तो ये आपको ज़रूर करके देखना चाहिए फॉर योर ओन यू नो फॉर योर ओन कंसिडरेशन। तो अगर कंक्लूड करना हो तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप एक ही गोत्र के अंदर कर रहे हो तो, लेकिन कोई थंब रूल नहीं है कि जो प्रोजेनी जो है फिजिकली या मेंटली जो है वीक ही होगी। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।